वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीआई ऐप के अंदर अगर आपको इस तरीके से लिखवाता है नेटवर्क एरर रिट्राई व्हेन अवेलेबल तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले यहाँ से आपको मिनिमाइज़ आ जाना है और फिर अपने जो है फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, मोबाइल डेटा एंड इंटरनेट पर जाना है, इंटरनेट और नेटवर्क, और एक दफ़ा एरोप्लेन मोड को लगा देना है और बंद कर देना है। उसके बाद बैक लाना है और बैक लाने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है सिस्टम में, डेट एंड टाइम पर जाना है और यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड अगर आपको बंद दिखाई देता है तो चालू कर देना है। ठीक है, तो इतना आपको करना है। फिर जो है बैक ला देना है, बैक ला देना है और यहाँ पर अपने ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में जाना है, सीएलएप्स को खोल लेना है और यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को आपको फाइंड कर लेना है। जपिया सबसे नीचे आपको मिलेगी तो इसे खोल लेना है आपको, ये कहीं पर ही आपको मिलेगी, ये रही, इसको खोल लेना है, फोर्स स्टॉप मार देना है, मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पर जाना है, बैकग्राउंड में डेटा को स्टार्ट कर देना है, अनरिस्ट्रिक्ट डेटा को बंद रहने देना है। ठीक है, और फिर अपने फ़ोन को जो है बंद करके खोल लीजिएगा तो जो आपको इशू आ रहे होंगे फिर वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।